के लिए। और कल इस भजन का पार्ट टू रिलीज होना है राजू भैया की अपना आशीर्वाद जिला तुझे साथ, क्योंकि जो घर का आशीर्वाद मिलता है फिर दुनिया च मां भाई अगे है और बड़ी माता रानी कर देती है। All right.
बोलिए सच्चे दरबार की बेजो सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की और नमा पर काल का मार दर और डीके जी उठे गेट मेरी आवाज सुन रहे थे स्टेज पर नहीं कर लेती हो सच्चे दरबार की कुछ चंद इंफॉर्मेशन में पूरी करने के बाद बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हाजिर बनी आ गया श्री नवीन पंजाबी जी के बड़े भाई साहब सूफी जी आशमा सरमाल जी और एक ताली बजाओ मेरा छोटा भरा केवल राजा जी ने गणेश मंदिर के हाजिर लाई बड़ा सुरीला आगाज किया है जागरण बोल सांचे दरबार की थोड़ी जैस बड़ी ठंडक आई थी मौसम में ठंडा नहीं लगी बोल सांचे दरबार की दिल देते हैं तुझे माँ के लिए जरूरी नहीं कि इश्क किसी औरत का मन से और मर्द का औरत से हो इश्क भगवान से भी होता है रब से भी होता है पीरों से भी होता है माता से भी होता है देवी देवताओं से भी होता है इश्क करते हैं तुझसे तुझ पे दिल हारते काली माँ ये सभी रियासी वाले जितने भी रियासी में जीव आत्माएं हैं जो उस माँ के वर्चस्व से पल रही हैं उनकी तरफ से कि इश्क करते हैं तुझसे तुझ पे दिल हारते हैं अपनी सारी समस्याएं तेरे चरणों पे बार बार हमारे बीच में किसी रियासी की राजनीति की शान और आज की हमारी इस शाम की खास मेहमान हमारे आदरणीय अजयनंदा साहब हमारे बीच में तालियां सूर से एक बार मुझे होते हुए सदका होना चाहिए तालियों का लगना चाहिए कि आप लोगों कितना प्यार कर रहे जोरदार तालियां बजा साथ ही साथ हमारे चेयरमैन पुरी साहब जो उनके साथ उनकी भुजा बन के चल रहे हैं इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएगा और ये दोनों बीच में जिनको लेकर चलते हैं वो हमारे पुलिस इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएगा ये धरती रियासी जो है ये कलाकारों की धरती है यहाँ से एक बड़ा कलाकार निकला है और अपना मुकाम बनाया है मैं बार बार कहता हूँ अपने बड़े भाई के लिए कि ड्राई फ्रूट में काजू और गायकी में राजू दोनों का कोई मेल नहीं कोई तोड़ नहीं तालियां जोर से एक बार अजमे के लिए और यही उम्मीद आपसे है यही इल्तिजा आपसे है कि जिस तरह आप गा रहे हैं आप गाते रहे आपकी जिंदगी अब आपकी नहीं है पब्लिक की तो तालियां जोर से एक बार शेयर के लिए और कल से माँ के नवरात्र शुरू हो रहे हैं आप सभी जानते हैं 9 दिन वैसे भी अब आपने देखा कि जब से जय श्री राम वालों की सरकार ही तब से हर चीज जय श्री राम में हो गई है और हम बड़े बड़े भागी हैं क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी वो एक युग पुरुष हैं वो एक लोह पुरुष हैं वो एक ऐसा शक्ति पुंज है जिनके अंदर से इतनी शक्ति निकलती है दौरा निकलता है कि पूरा भारत जो है वो आज विश्व गुरु बना है उसकी एकमात्र वजह है वो है हमारे भारत देश की रीढ़ की हड्डी उनका नाम है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जोर से बदलाव आएगा परिवर्तन आएगा बदलाव आ चुका है परिवर्तन आ चुका है थोड़ा सा समय और पूरा भारतवर्ष कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भगवा रंग में रखेगा तालियां जोर से एक बार बात मोदी जी इस जागरण की बात करते हैं एक ऐसा जागरण है मैं चाहता हूँ कि अजयनंदा साहब आप मंच पर आ जाते हैं और साथ में पुरी साहब मंच पर आ जाते हैं छोटी सी एक भेंट आपको हम देना चाहते हैं तालियां खोल के एक बार इनका स्वागत करें तालियां खोल के इनका स्वागत करें और आदरणीय बोलिए वो भी मंच पर आ जाए मैं आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय नंदन सर हमारे मिनिस्टर रहे हैं न जाने कितने डिपार्टमेंट्स इनके पास थे अब इस समय ये
मैं देख रहा हूँ कि घर घर जाके अलग जगा रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, और बड़ी जल्दी हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन अनाउंस करे और दोबारा से नंदा साहब जो है अपने सीट पर बैठे और हमारी ताकत बनके, हमारी आवाज बनके, हमारा गुरूर बनके, हमारी शक्ति बनके, हमारी पावर बनके जो है पार्लियामेंट में दहाड़े और हम बोले कि शेर हमारा हम शेर के ताले जोर से बोलो। दो शब्द नंदा साहब हम सुनना चाहेंगे। सारे को पहले माँ कालका जी के चरणों च मेरा सादर प्रणाम। मंच उपर साढ़े म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन सुदेश पुरी जी, इस साढ़े बिच के बैठे दे साढ़े कौंसलर अमित जी, अशोक जी, इस जागरण का जरा आर्गेनाइजर जड़े इसी करांदे आ रहे। अज कासिम जागरण है जरा इधर होआ दा साढ़े जगदीश चंद्र भोली जी, इनके परिवार के सारे सदस्य साढ़े विच, बड़े सारे सिंगर जड़े रियासी दे, कुलदीप जी साढ़े, राकेश जी जड़े इंस्पेक्टर भी हैं और संगीत कन्ने बड़ा प्रेम रखते, ओदे अलावा राजू विजयपुरी है जी, इनके पिता जी सुरेश जी साढ़े विच जड़े बड़े अच्छिया भेंटा सुना दे, बाकी रियासी दे सारे गाने माने व्यक्तिगण, मेरी माता भैन और मेरे नौजवान साथियों, सारे को पहले इस जागरण मैं जिन्हें भी लोग आए थे सारे का दिल की गहराई कन्ने अभिनंदन करना और खास तौर पर जगदीप चंद्र भोली जी का और इनके परिवार का जड़े अज इतने जागरण करवा दे। ये कोई छोटी जी गल नहीं है, कासिम जागरण जड़ा है इतने होने जा रहा, ये कोई निकी जी गल नहीं है, ये बड़ी वड्डी गल है और ये मैं जगदीप जी और इनके परिवार ही मैं नमन करना। जड़े पिछले कासिम आखने का मतलब कोई साल च दो जागरण होंगे, लगभग 40-41 साल जागरण करा दे, एक बड़ी वड्डी गल है। बाकी इतने जिनी भी संगत आई दी जी सुरेश होर आखा दे, ये सारे ही मौका नहीं मिलता सुनने का, ये उन्हें गै मौका मिलता जिन्हें मां बुलाई, तुस सारे मां दे भक्तो, मां ने तुसें ही सदे दा ते तुसें ही सुनने का मौका मिला दा। बाकी मैं दिल की गहराइयां कन्ने एक बारी फिर जगदीप चंद्र जी का, इनके परिवार का और इतने आई दी सारी संगत का और खास तौर उपर डीके जी जड़े गई इतने मंच उपर जरा कंपेयरिंग के करते करते, एक बड़े बड़े आर्टिस्ट भी है, बड़ी फिल्में काम किया, डोगरी फिल्म बनाते भी है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है और बड़ी सारिया क्वालिटियां। बाकी दिल की गहराई गहराइयों कन्ने सारे मीडिया के भरा भी जड़ी हर गल की लोगों धोड़ी पहुंचाते भी साढ़े बिच, उनका भी दिल की गहराइयों कन्ने अभिनंदन। एक बार फिर मैं जगदीप चंद्र जी और उनके परिवार का जिन्हें असं इतने आने का मौका मिला दिता और तुंदे बिच खड़ोने का मौका दिता, एक बार फिर बड़ा बड़ा शुक्रिया। जय भारत, जय जय माता कालका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और तो जिन्हें भी मेरे रियासी ने भरा भैना माता जो है सब जो अच आई रही है, स्मार्टफोन सारे को मी मेरा कि यूट्यूब जी और फेसबुक जो है ऑलमोस्ट 100-80 बंदे चलाते हैं, इसे सोशल मीडिया ने आज बड़े आर्टिस्ट की रोजगार भी दिया है, उन्हें कलाकार भी बनाया है। राजू भैया का गल भजना वाला बड़ी बड़ी मुबारक, मैं उम्मीद करना कि सिर्फ ये 2 मिलियन व्यू जा जाता है, ये तुम्हें बड़ी बड़ी मुबारक है। थोड़े दिन पहले साहब ने आख्या एक छोटी जी फिल्म बनाई मैं कॉमेडी थी, ना ना थोड़ा अजीब जी है लेकिन ले लेना रेड वर्ड पे, देखो ना गाने सी आई है सुमन कैसे प्रोडक्शन मेरा यूट्यूब चैनल है, उधर जाइए इस फिल्म की देखो, मेरे घर डुगर का बेटा कुलदीप हंसन जिन्हें वीडियो तुम देखते हो उनके कने भी मिली है, एक कहानी दसी दी है रंड मंड की, उसे जाइए जरूर देखो तो प्यार दो। तो मैं उन दरख्वास्त करगा अपने भाई सुरेश होरी को मंच पर आप एक साई बनी सुनाई है, अच्छा सारे की मंत्र मुक्त कर कर बोल साईनाथ महाराज की, बोले सच्चे दरबार की, बड़ी सारी फरमाइशें मैं कोशिश करा
जल्दी जल्दी निपटाने का काम कर। लेकिन आओ एक रियासी वाली गाल का माता दा नवा भजन, अगर तुझे पसंद आओ तो मैं रिकॉर्ड करा ला, अगर पसंद नहीं आओ तो फिर मैं मत्था टेकूं माता रानी माफ कर, फिर कोई और भजन लगा के सच्चे दरबार की। एक बार रियासी शहर वास्ते तालियां दियो जोर दा ता ता, बड़ा सुरीला शहर में बार बार ये गल्ला लग जो के गल है ते ता के आखणो है ना। Thank you.
राजी रखिया शहर रियासी कदे नहीं लगे तीवा घर घर बास रवे मां तेरा बच्चा बच्चा मेहमा गा संजय दी सुखन पूरी करें मंगदा सुरेश सवाली मां ये बड़े शैल बोल उन्होंने लिख दें और बड़ी जल्दी से रिकॉर्ड करा गया और इतने आने से रिलीज करके थोड़ा सारे का आशीर्वाद लग गया सच्चे दरबार हरी सच्चे दरबार की और साई भजन की फरमाइश मेरी डीके भैया जी रियासी कालिका मंदिर गेट के बाहर एक थोड़े दिन पहले ऐसे एक भजन किया था उसके बाद नवरात्रों पर जो सुमन केसर प्रोडक्शन चल रहा है दीपू भैया जी बड़ा बड़ा शुक्रिया अपना आशीर्वाद दिया देने माता रानी को तंदुरुस्तियां बख्शे खजाने भरपूर रखे हैं और तारे जैसे शहर दे कई रोने तालियां बजाओ मैं वह भजन सुनाना चलो चलो साई के द्वारे साई सबसे कष्ट निवारे मेरा अपना गाया था थैंक यू जी शुक्रिया शुक्रिया सच्चे दरबारी की आओ मैं साईं बाबा का एक भजन लेके आया और ये दीपू भैया के छोटे ब्रदर नानियां का सेव इनके पास तालियां बजाओ अमित जी आओ जी चलो चलो साईं के द्वारे साईं सब के कष्ट निभा रहे हैं और इस पर जिन्ना जिन्ना भी खर्चा किया है डीके भैया ने किया सुमन केसर प्रोडक्शन अपना और मेरा पहला भजन जरा हिंदी साईं बाबा जी का रिकॉर्ड हुआ और मोड़ मोड़ के एक और बड़ी जल्दी अगले महीने तक एक नवा साईं भजन ओम साईं राम और ओदे विच भी है तुसीं किसी ने किसी करैक्टर च जरूर मिलने साईं बाबा दे करैक्टर च मिलने तालियां आओ जी पांचवा